ऑलराइट क्लास, आज हमने बेसिकली चार कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हब, ब्रिजेस और राउटर्स में फर्क क्या होता है, ठीक है? फिर ब्रिजेस पे आज हमारा फोकस होगा और हम देखेंगे कि स्विच लर्निंग का कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल लैंस कैसे बनाए जाते हैं यूजिंग ब्रिजेस, और फाइनली हमने देखना है कि डेटा सेंटर के अंदर जो आपका नेटवर्क एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि जब भी हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच एक जेनेरिक टर्म है और वो किसी भी ऐसे डिवाइस को आप स्विच कह सकते हैं, ठीक है, जो कि स्विचिंग इंप्लीमेंट करता है। स्विचिंग क्या होती है कि बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसपे किसी पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ है, अब उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखा जाएगा और बेस्ड ऑन दैट एड्रेस वो किसी भी एक पोर्ट पे पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जो भी हार्डवेयर ये इंप्लीमेंट करती है उसे आप स्विच कह देते हैं, ठीक है? ये जेनेरिक टर्म है स्विच। ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो पहले तो एक हब आ जाता है। हब एक डंब डिवाइस है, उस पर किसी भी पोर्ट पे अगर पैकेट रिसीव हुआ है तो वो जितने भी आउटगोइंग पोर्ट्स हैं उन सारों पे वो पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? इसमें मसला क्या होता है कि जो भी डिवाइस किसी हब के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल सर्वर हो सकता है, आपके एंड कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, तो वो एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर लाए करते हैं, विच मीन्स कि अगर किसी एक सेंडर ने पैकेट सेंड किया है तो जितने भी सेंडर उस हब के साथ कनेक्टेड हैं उनमें से अगर कोई और भी पैकेट उसी टाइम पे ट्रांसमिट कर देता है तो उनकी कोलिजन हो जाएगी। यानी हब के केस में एट एनी गिवन टाइम किसी एक डिवाइस को पैकेट सेंड कर सकता है, अगर मल्टीपल साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होगी तो वो जो है कोलिजन हो जाती है और आपका पैकेट जो है वो फिर जाया हो जाता है और आपको दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ता है। ओके, एज अपोज टू हब, अगर आप राउटर, और हब में बाय द वे स्विचिंग नहीं होती, हब इज नॉट अ स्विच। स्विचिंग के लिए लाजमी है कि आप डेस्टिनेशन एड्रेस देख के फॉरवर्डिंग करें। हब में तो डब अंदाज में फॉरवर्डिंग हो रही है कि पैकेट आया है सारों को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? ऑलराइट, तो राउटर की जब बात करते हैं, और हमने पहले भी राउटर डिस्कस कर लिए हैं पिछले चैप्टर में, तो राउटर इज अ लेयर 3 स्विच, विच मीन्स के राउटर जो है वो जो स्विचिंग करेगा वो लेयर 3 हेडर की बेसिस पे स्विचिंग होगी। यानी जो आपका नेटवर्क लेयर है उसका जो हेडर होता है, यानी आईपी हेडर जो होता है, उसके अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा राउटर उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेसिस पे फॉरवर्डिंग करता है, ठीक है? इसलिए राउटर को लेयर 3 स्विच भी कहा जाता है। और जहां पे कोलिजन का चांस नहीं है, क्योंकि राउटर के साथ जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो अगर किसी एक लिंक पे सिग्नल रिसीव हुआ है तो वो सिर्फ एक ही आउटगोइंग लिंक के ऊपर फॉरवर्ड किया जाएगा। ये नहीं होगा कि हर आउटगोइंग लिंक के ऊपर वो सिग्नल फॉरवर्ड हो जाए, तो इसलिए वो कोलिजन डोमेन जो है वो कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाता है। और जब आप ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज इज लेयर 2 स्विच, इसको ईथरनेट स्विच भी कह सकते हैं। और बाय द वे जब आप स्विच की बात करते हैं, ठीक है, लिटरेचर में अगर आप स्विच का लफ्ज पढ़ेंगे तो या तो स्विच एक जेनेरिक टर्म इस्तेमाल हो रही है जो हमने अभी शुरू में डिस्क्राइब किया है, या फिर अगर स्पेसिफिकली स्विच किसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ब्रिज को आप इन सम केसेस स्विच भी कह देते हैं। यानी ब्रिज और स्विच जो है इंटरचेंजेबल टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? पर वो फिर आपने जो भी कॉन्टेक्स्ट है जहां पे आप ये चीज पढ़ रहे हैं वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट से आपने इन्फर करना होता है कि अगर स्विच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वो ब्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया है या वो किसी भी ऐसे डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि स्विचिंग इंप्लीमेंट करता है, ठीक है? तो इस बाकी के लेक्चर में हम जब भी स्विच की बात करेंगे तो बेसिकली वो हम ब्रिज की बात कर रहे होंगे, ठीक है? एनीवे कमिंग बैक, तो ब्रिज जो है लेयर 2 स्विच होता है, यानी ये जो डेटा लिंक लेयर है उसके हेडर को देख के पैकेट फॉरवर्डिंग करता है। यानी जो भी मैक एड्रेस है आपका जो ब्रिज होगा वो मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखेगा और बेस्ड ऑन दैट एड्रेस वो उस पैकेट को किसी भी आउटगोइंग लिंक किसी एक आउटगोइंग लिंक के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे वंस अगेन आपकी जो कोलिजन डोमेन है वो सेपरेट हो जाती है, विच मीन कि अगर मल्टीपल सेंडर जो है जो एक ही ब्रिज के साथ कनेक्टेड है
अगर वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, आपकी कोई कोलिजन नहीं होगी उनके सिग्नल्स की, ठीक है। और एक और बात है कि ब्रिज जो है इसे ट्रांसपेरेंट सेल्फ लर्निंग और प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो भी आपके एंड डिवाइसेस किसी ब्रिज के साथ कनेक्टेड हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो कनेक्टेड है कि नहीं, उन्हें फील हो रहा होता है कि नेटवर्क एक ब्लैक बॉक्स है जिसके साथ वो कनेक्टेड है बेसिकली, तो उनका ब्रिज है कि नहीं है वो पता फील भी नहीं होगा, ठीक है। फिर सेल्फ लर्निंग है और प्लग एंड प्ले है, विच मीन्स कि किसी भी ब्रिज को कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेस्टिनेशन जो है वो किस आउटगोइंग लिंक के ऊपर रीचेबल है, तो वो किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आके हार्ड कोड नहीं करना पड़ता, वो ब्रिज जो है खुद ही लर्न कर लेता है। और आप बेसिकली क्या करते हैं, आप बस प्लग एंड प्ले करते हैं कि आपने एक नेटवर्क के ऊपर ब्रिज को कनेक्ट कर दिया है और वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा और लर्निंग भी वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हब्स, ब्रिजेस और राउटर्स में डिफरेंशिएशन थी। और ब्रॉड लेवल पर हमने देखा कि एक जेनेरिक टर्म स्विच जो है इन तीनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली स्विच किसी हार्डवेयर डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया है तो वो बेसिकली ब्रिज होता है। अगला कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग कैसे करते हैं ये ब्रिजेस, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हमने अभी जो कहा कि मल्टीपल डिवाइसेस जो है अगर वो हब के साथ कनेक्टेड है और वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करते हैं तो आपका कोलिजन होगी और पैकेट लॉसेज होंगे। स्विच के केस में मल्टीपल साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन अलाउड है, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका जो भी होस्ट स्विच के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो इंटरफेस वन पे कनेक्टेड है स्विच के साथ, होस्ट बी है वो टू के साथ कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो ये जो लिंक्स है ये बेसिकली डुप्लेक्स लिंक है, विच मीन्स के ए अगर ट्रांसमिशन कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्विच तो साइमल्टेनियसली स्विच भी ए की तरफ ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी ए की लिंक है उसके ऊपर दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो कर रही होती है, ये फुल डुप्लेक्स या बाई डायरेक्शनल लिंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब होगा क्या कि ए स्विच को ट्रांसमिट कर रहे और स्विच ए को ट्रांसमिट कर रहे तो उनकी तो कोलिजन नहीं होगी। अब अगली चीज है कि ए अगर किसी और डिवाइस को पैकेट भेज रही है जो कि स्विच के थ्रू जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए ने ए प्राइम को ट्रांसमिट करना है और बी ने बी प्राइम को ट्रांसमिट करना है, तो होगा क्या कि ये दोनों भी साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हो सकती है, क्यों? क्योंकि ए का पैकेट जो है वो स्विच पे आएगा और स्विच जो है उसे ए प्राइम को फॉरवर्ड कर देगा, बी का पैकेट आएगा और वो बी प्राइम को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और ये जो दोनों पाथ हैं इनके अंदर कोई ओवरलैप नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर ए ने ए प्राइम को फॉरवर्ड करना है और बी ने भी ए प्राइम को पैकेट फॉरवर्ड करना है तो अब क्या होगा कि दोनों की डेस्टिनेशन सेम है और कोलिजन अब भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो बफरिंग करता है, ए और बी में से जो पैकेट पहले आ जाएगा वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा ए प्राइम को और दूसरा जो पैकेट रिसीव होगा वो बेसिकली बफर में आ जाएगा। अब जैसे ही पहले पैकेट की ट्रांसमिशन कंप्लीट होती है बफर में से अगला पैकेट जो है वो अब फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल ट्रांसमिशन जो है वो स्विच के केस में अलाउड है, हब के केस में अलाउड नहीं है क्योंकि वो जो है कोलिजन डोमेन बेसिकली वो एक ही है। और स्विच के केस में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है तो बेसिकली जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कनेक्टेड हैं इस स्विच के साथ, यानी स्विच के एंड पे भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा और जो एंड डिवाइस है उस पे भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, ठीक है। और बाय द वे स्विच के जितने पोर्ट्स हैं हर पोर्ट के लिए एक अलग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो ये जो निक होंगे ये सारे ईथरनेट प्रोटोकॉल रन कर रहे होंगे, ठीक है। आखिरी पॉइंट है इधर के ये जो टोपोलॉजी बनी हुई है, यानी डिवाइसेस जिस अंदाज में कनेक्टेड हैं स्विच के साथ, तो इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, यानी एक डिवाइस सेंटर पे आ जाते हैं और बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं वो उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा और जो टोपोलॉजीज पॉसिबल हैं और जो हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस की थी जब एप्लीकेशन लेयर मल्टीकास्ट देख रहे थे, तो और टोपोलॉजीज हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, बस है, ट्री है, तो इस तरह की डिफरेंट टोपोलॉजीज पॉसिबल हो सकती है। जब आप ईथरनेट की बात करते हैं और ईथरनेट में जितने भी डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्टेड है
तो वो बेसिकली एक स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करता है। जो पुराने जमाने का इथरनेट था, यानी आज से काफी साल पहले, तो वो इथरनेट जो है वो बेसिकली एक बस टोपोलॉजी फॉलो करता था। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बहुत ब्रीफ लेवल पे आपको बता दूं कि बस टोपोलॉजी में क्या होता था कि सारे डिवाइस एक केबल के साथ कनेक्टेड है और उनमें से कोई एक डिवाइस ट्रांसमिशन कर रहा है तो बाकी सारे डिवाइसेस को खामोश होना पड़ता था, क्योंकि अगर वो भी ट्रांसमिशन करेंगे तो कोलिजन हो जाती थी। और फिर जो हमने CSMA/CD वाली बात की थी कि फिर हर डिवाइस को बैक ऑफ करके दोबारा से ट्रांसमिशन करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये बस के केस में था। अब अगर स्विच आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी है, तो जैसे हमने कहा कि कोलिजन का जो इम्कान है वो खत्म हो गया। एनीवे, आगे चलें। तो अगला पॉइंट है कि फॉरवर्डिंग जो है वो कैसे होती है। यानी एक स्विच है, लेट्स सपोज उस पर एक पैकेट रिसीव हुआ है और उस पैकेट की डेस्टिनेशन ए प्राइम है, और एक और पैकेट रिसीव हुआ है उसकी डेस्टिनेशन बी प्राइम है। तो अब स्विच को कैसे पता लगेगा कि ए प्राइम और बी प्राइम जो डिवाइसेज है वो किन लिंक्स के ऊपर रीचेबल है। यानी ए प्राइम जो है वो पोर्ट 4 पे रीचेबल है और बी प्राइम जो है वो पोर्ट 5 के ऊपर रीचेबल है, तो स्विच को ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हर स्विच के ऊपर एक स्विच टेबल होता है। हर स्विच टेबल में एंट्रीज होती है। एंट्री क्या होगी? मैक एड्रेस होगा, फिर इंटरफेस होगा कि ये मैक एड्रेस जो है ये किस इंटरफेस के ऊपर रीचेबल है, और फिर टाइम टू लिव वैल्यू होती है कि कितनी देर तक ये लाइव, कितनी देर तक ये एंट्री वैलिड रहेगी, और उसके बाद इस एंट्री को डिलीट करके दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जिस तरह राउटिंग टेबल के ऊपर एंट्रीज होती है, उसी तरह से आप समझ लें कि स्विच के अंदर भी एंट्रीज होंगी। फर्क ये है कि राउटिंग टेबल में क्या होता था कि एक बेसिकली लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग होती थी, पर जो स्विच का टेबल होता है उसमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग नहीं है। स्विच टेबल में क्या होता है कि पैकेट आया है वो एग्जैक्ट मैक एड्रेस जो है उसके ऊपर मैच करेगा, और फिर बेस्ड ऑन दैट मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो डिसाइड करेगा कि किस आउटगोइंग लिंक के ऊपर इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और इसके हम डिटेल अभी देखते हैं। तो ये एंट्रीज क्रिएट कैसे होती है, यानी स्विच को कैसे पता लगेगा कि ए किस लिंक के ऊपर लाइक करते हैं, बी सी डी किन लिंक्स के ऊपर लाइक करते हैं। तो उसके लिए एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। यानी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हार्ड कोड कुछ नहीं करता, वो बस डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब स्विच जो है वो खुद ही लर्न करते हैं कि कौन सा डिवाइस जो है वो किस पोर्ट के ऊपर रीचेबल है। बेसिकली होता क्या है, अगर किसी एंड डिवाइस ने कोई पैकेट ट्रांसमिट किया है, सेंड किया है, और वो पैकेट जो है स्विच के ऊपर रिसीव हुआ है, तो अब स्विच क्या करेगा, उस पैकेट का सोर्स एड्रेस देखेगा, सोर्स मैक एड्रेस, और उसे पता लग जाएगा कि मेरे जिस पोर्ट के ऊपर पैकेट रिसीव हुआ है ये जो सोर्स एड्रेस है ये इस पोर्ट के थ्रू रीचेबल है। यानी फॉर एग्जांपल ए ने कोई पैकेट ट्रांसमिट किया है और उसकी डेस्टिनेशन सी है, तो क्या होगा, जैसे ही वो पैकेट स्विच के ऊपर आ जाएगा एक बात तो कंफर्म हो जाएगी, स्विच को पता लग जाएगा कि ए जो है लिंक वन के ऊपर एग्जिस्ट करता है या लिंक वन के ऊपर रीचेबल है, ठीक है, और उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो सी है। तो स्विच को ये नहीं पता लगेगा कि सी कहां पे लाए करता है। सी का स्विच को तब भी पता लगेगा जब सी कोई पैकेट ट्रांसमिट करता है जिस पैकेट का सोर्स एड्रेस सी है, ठीक है। तो ये बेसिकली लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि जिसने पैकेट सेंड किया है उसकी प्रेजेंस जो है वो तो पता लग गई, जिसको सेंड किया गया है उसकी प्रेजेंस का नहीं पता लगता टिल सच टाइम कि वो नोड जो है वो भी कोई पैकेट ट्रांसमिट नहीं कर देती, ठीक है। एनीवे, तो जैसे कि पैकेट ट्रांसमिट करेगा ए और वो पैकेट स्विच पे रिसीव होगा, तो स्विच क्या करेगा, उस एंट्री को सेव कर लेगा। यानी अपने स्विचिंग टेबल में वो बता देगा कि ए जो है ये लिंक वन के थ्रू पोर्ट वन के थ्रू रीचेबल है, और साथ उसका एक टाइम टू लिव वैल्यू भी सेट कर देगा कि उस टाइम के बाद जो है इस एंट्री को दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा।
अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट सपोज ए ने एक पैकेट जनरेट किया है जिसकी सोर्स ए है और डेस्टिनेशन ए प्राइम है, और इनिशियली जो स्विच टेबल होगा वो बिल्कुल खाली होगा। अब जैसे ये पैकेट रिसीव हुआ स्विच पे, स्विच को पता लग जाएगा कि ए जो है वो इंटरफेस वन के ऊपर रीचेबल है, तो वो ये सारी एंट्री जो है मेक कर देगा और साथ उसके टाइम टू लिव वैल्यू सेट कर देगा। अब क्या होगा, अब इस पैकेट की जो डेस्टिनेशन है वो ए प्राइम है और स्विच को नहीं पता कि ए प्राइम किस लिंक के ऊपर लाइ करता है, यानी स्विच जो है वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल में देखेगा कि ए प्राइम की एंट्री है और वो फॉरवर्डिंग टेबल खाली है, यानी उस पर ए प्राइम की एंट्री नहीं है। तो अब क्या करेगा स्विच, अब स्विच उन पैकेट को चले इस पे दोबारा आते हैं। बेसिकली अब क्या करेगा, जो फॉरवर्डिंग होती है उसमें जो रूल है वो ये है कि जैसे ही पैकेट रिसीव हुआ है उस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस है मैक एड्रेस उसकी एक एंट्री बन जाएगी। अब स्विच देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, अगर एंट्री मिल गई टेबल में तो अब स्विच देखेगा कि ये जो डेस्टिनेशन है ये कहीं उसी पोर्ट पे तो नहीं एग्जिस्ट करती जिस पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ है, यानी अगर एक पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ है और जो डेस्टिनेशन है वो भी उसी पोर्ट पे रीचेबल है तो स्विच जो है उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसका मतलब है कि उस पोर्ट पे जो भी नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा था उस पे ऑलरेडी पैकेट ब्रॉडकास्ट हो गया है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही गया होगा, स्विच को दोबारा से फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर डेस्टिनेशन किसी ऐसी पोर्ट पे है, किसी फर्क पोर्ट पे है, यानी एक पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ है और डेस्टिनेशन किसी और पोर्ट पे एग्जिस्ट करती है, तो पैकेट जो है सिर्फ उस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और आखिरी सिनेरियो है कि स्विच को पैकेट रिसीव हुआ है और उसकी जो डेस्टिनेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर एंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन दैट केस क्या होगा कि स्विच जो है वो अपने बाकी यानी जिस पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ है उसके अलावा बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं उन सारों की उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। बेसिकली इसकी रनिंग देख लें, ए के पास पैकेट आया, उसकी सोर्स ए है, डेस्टिनेशन ए प्राइम है, स्विचिंग टेबल एम्प्टी है, स्विच के ऊपर पैकेट रिसीव हुआ, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बन गई। अब स्विच देखेगा कि ए प्राइम जो है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो स्विच उस पैकेट को बाकी सारे पोर्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, यानी पोर्ट वन पे पैकेट रिसीव हुआ था तो उसे छोड़ के पोर्ट टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पे पैकेट को फ्लड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या होगा, लेट सपोज ए प्राइम को पैकेट पहुंच गया और ए प्राइम ने रिप्लाई किया है ए को, अब क्या होगा कि जैसे पैकेट रिसीव होगा स्विच पे तो पहली बात तो ये है कि स्विच को पता लग जाएगा कि ए प्राइम जो है वो मेरे पोर्ट नंबर फोर पे एग्जिस्ट करता है, तो वो स्विचिंग टेबल में ये एंट्री मेक कर देगा। अब अगली चीज है कि उस पैकेट का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ए है, तो वो स्विचिंग टेबल में देखेगा कि ए एग्जिस्ट करते हैं और जेस एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो अब जो है पैकेट सिर्फ पोर्ट वन के ऊपर फॉरवर्ड किया जाएगा, बाकी सारे पोर्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अब अगली बात तो ये कि हमने अभी जो एग्जांपल किया है उसमें सिर्फ एक स्विच था और सारे डिवाइसेस उस सारे एंड नोड जो थे वो उस एक स्विच के साथ ही कनेक्टेड थे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दें, यानी इन दिस केस आपका स्विच वन है उसके साथ डिवाइस एबीसी कनेक्टेड है, फिर स्विच टू है, स्विच थ्री है, और ये तीनों स्विच जो है फर्दर एक स्विच फोर के साथ आपस में कनेक्टेड है। तो इनमें अगर पैकेट, अगर सेंडर ए ने नोड जी को कोई पैकेट सेंड करना है तो वो हमने जो फॉरवर्डिंग के रूल बताए हैं और जो स्विच लर्निंग के रूल बताए हैं वो सारे यहाँ पे भी वैसे ही इंप्लीमेंट होंगे। यानी इन दिस एग्जांपल अगर ए ने जी को पैकेट भेजना है
तो शुरू में स्विच 1, 2, 3 और 4 के फॉरवर्डिंग टेबल बिल्कुल खाली होंगे। जब ए का पैकेट एस वन को आएगा तो एस वन को पता लग जाएगा कि ए के पोर्ट पे रीचेबल है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बन जाएगी। फिर एस वन जो है उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा अपने बाकी सारे पोर्ट्स के ऊपर। अब वो पैकेट जब एस फोर को मिलेगा तो एस फोर को पता लग जाएगा कि ए इस लिंक के ऊपर रीचेबल है, पर एस फोर को डेस्टिनेशन का क्योंकि नहीं पता कि जी कहां पे है, तो एस फोर भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो पैकेट यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। एस टू को पता लग जाएगा कि ए इस लिंक पे रीचेबल है, और क्योंकि एस टू को भी नहीं पता कि डेस्टिनेशन कहां पे एग्जिस्ट करती है जी, तो एस टू भी ब्रॉडकास्ट करेगा। सिमिलरली एस थ्री को पैकेट मिला है तो उसे पता लग जाएगा कि ए इस लिंक पे रीचेबल है, और क्योंकि एस थ्री को नहीं पता कि जी कहां पे रीचेबल है तो एस थ्री भी ब्रॉडकास्ट कर देगा और इवेंचुअली पैकेट जो है जी तक पहुंच जाएगा। अब क्या होगा? अब लेट सपोज जी ने ए को पैकेट रिप्लाई करना है, तो जी जब पैकेट भेजेगा तो वो एस थ्री को आएगा। एस थ्री को ऑलरेडी पता है कि ए इस लिंक पे रीचेबल है तो वो पैकेट सिर्फ इस लिंक पे फॉरवर्ड किया जाएगा। एस फोर को पैकेट रीच करेगा, अब एस फोर को पता है कि ए जो है सिर्फ इस लिंक पे रीचेबल है तो पैकेट सिर्फ इस लिंक पे फॉरवर्ड किया जाएगा, इस लिंक पे नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जहां पे पैकेट आएगा तो अब एस वन को पता है कि ए इस लिंक पे रीचेबल है तो एस वन भी सिर्फ इस लिंक पे पैकेट फॉरवर्ड करेगा, बी और सी जो है उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। और जहां पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि रिवर्स पाथ सिर्फ ये फॉलो हुआ है तो अब जी की इंफॉर्मेशन किस किस के पास है? एस थ्री को पता है कि जी यहां पे रीचेबल है, एस फोर को पता है कि जी यहां पे रीचेबल है, और एस वन को पता है कि जी यहां पे रीचेबल है। क्योंकि एस टू को वो पैकेट फॉरवर्ड नहीं किया गया था इसलिए एस टू को नहीं पता होगा कि जी कहां पे रीचेबल है, एस टू तक ये पैकेट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लास ये बेसिक मल्टीपल स्विचेस का में अगर आपने लर्निंग करनी है तो उसका कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल है कि लेट सपोज पैकेट नोड सी ने नोड आई को पैकेट भेजना है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है नोड सी ने वापस, नोड आई ने वापस नोड सी को पैकेट रिस्पॉन्ड करना है। तो सवाल ये है कि जब सी से आई तक पैकेट जाएगा तो किस किस स्विच में टेबल एंट्री होगी और किस एड्रेस के लिए एंट्री होगी, नंबर वन। नंबर टू, जब आई से पैकेट सी तक जाएगा तो किस किस स्विच में एंट्री होगी और किस किस मैक एड्रेस की एंट्री होगी। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स इस सवाल के बारे में सोचें, यू हैव एक्चुअली 3 मिनट्स। तो मैं समराइज कर दूं कि जब सी से आई तक पैकेट जाएगा तो वो पैकेट हर लिंक पे फॉरवर्ड होगा क्योंकि सारे स्विचेस के टेबल एम्प्टी हैं, और इस तरीके से एस वन, एस फोर, एस टू, एस थ्री को पता लग जाएगा कि सी किस लिंक किस पोर्ट पे रीचेबल है। अब जब आई से वापस सी तक पैकेट जाएगा तो क्योंकि हर स्विच को पता है कि सी कहां पे रीचेबल है तो इसलिए एस थ्री को पैकेट जाएगा, एस थ्री से सिर्फ एस फोर को जाएगा, एस फोर से सिर्फ एस वन को जाएगा, और फिर सी को पैकेट मिल जाएगा और एस वन, एस फोर, एस थ्री जो है इनमें जो एंट्री बनेगी वो आई की होगी। कि बेसिकली इन तीनों स्विचेस को आप पता लग जाएगा कि आई जो है वो किस पोर्ट के ऊपर रीचेबल है। ऑलराइट, तो स्विचेस से एक बड़ा रेलेवेंट और रिलेटेड कॉन्सेप्ट वर्चुअल लैंस का है, या वी लैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि आपका इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो होता है वो किस तरीके का होता है। यूजुअली एक राउटर होता है, वो राउटर आपके इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, और फिर जो आपका इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क है वो बेसिकली एक आईपी सबनेट है, उसमें जितने डिवाइसेज हैं चाहे वो सर्वर हो चाहे वो एंड कंप्यूटर हो, एंड डिवाइसेज हो, वो सारे के सारे ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सबनेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आपका इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है उस पर मल्टीपल राउटर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये राउटर है ये एक और राउटर के साथ कनेक्टेड है और वो राउटर जो है अलग-अलग स्विचेस, ब्रिजेस या राउटर्स के साथ कनेक्टेड है,
तो अब क्या होगा कि वो बेसिकली राउटर्स के साथ जो जो नेटवर्क कनेक्टेड होंगे वो अलग आईपी सबनेट बन रहे होंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, तो मैं रिपीट कर दूं कि अगर ब्रिजेस के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो दे फॉर्म अ सिंगल आईपी सबनेट, पर अगर डिफरेंट राउटर्स के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो हर राउटर का जो एक पोर्ट होगा उस पोर्ट पे जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे चाहे वो ब्रिजेस हों चाहे वो एंड डिवाइसेस हों तो वो एक अलग सबनेट बनेगा, और राउटर का जो दूसरा पोर्ट है उस पे जो नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं वो एक अलग आईपी सबनेट बन जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब अगला पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज कि आपका जो सबनेट है एक ही सबनेट है और उसमें सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जितने डिवाइसेस ब्रिज के साथ कनेक्टेड हैं वो एक ब्रॉडकास्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है कि आपकी जितनी भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के पैकेट, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के पैकेट, या फिर आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता ब्रिज को कि किस पोर्ट पे रीचेबल है तो वो हर पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट डोमेन में मसला क्या होता है कि लेट सपोज आपका यूएमटी का नेटवर्क है, उसमें एक हिस्सा जो है वो कंप्यूटर साइंस, एक डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस का है, एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और एक बिल्डिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। इन बिल्डिंग में जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड हैं, और इन बिल्डिंग में जो ब्रिज है वो एक सिंगल ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, तो ये बेसिकली एक सिंगल डोमेन बन गई, ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसमें अब होगा क्या, अगर कोई डीएचसीपी का पैकेट आता है तो डीएचसीपी हमने देखा था कि वो ब्रॉडकास्ट होती है, यानी वो पूरे नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर साइंस के किसी डिवाइस ने आईपी एड्रेस लेना है तो वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा जो कि इस नेटवर्क पे हर डिवाइस को आएगा, पे इस ब्रिज को जाएगा, इस ब्रिज से इस ब्रिज को आएगा, इस ब्रिज से हर डिवाइस को आएगा, सिमिलरली ये ब्रिज इन ब्रिज को फॉरवर्ड करेगा और जहां पे इन सारे कंप्यूटर्स को भी वो फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली एआरपी के एग्जांपल है, अगर आपने एड्रेस रिजॉल्व करना है कि ये मैक एड्रेस जो है ये किस इस आईपी एड्रेस की कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, तो अगर वो डिवाइस कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है तो पैकेट जो है वो एआरपी रिक्वेस्ट इस पार्ट पे लिमिटेड होनी चाहिए थी कि बस यहां तक ही रहे, यहां से आगे ना जाए। पर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है कि वो एआरपी रिक्वेस्ट इन कंप्यूटर्स को भी जाएगी, इन कंप्यूटर्स को भी जाएगी, इन कंप्यूटर्स को भी जाएगी। और तीसरा एग्जांपल है कि कंप्यूटर साइंस की एक डिवाइस ने किसी कंप्यूटर साइंस के दूसरे डिवाइस को पैकेट फॉरवर्ड करना है तो पैकेट ब्रॉडकास्ट यहां तक ही होना चाहिए। लेट्स सपोज शुरू में किसी ब्रिज जितने भी ब्रिजेस हैं जितने भी स्विचेस हैं उनके फॉरवर्डिंग टेबल एम्प्टी हैं, तो क्या होगा, इस मशीन ने इसे अगर पैकेट फॉरवर्ड करना है तो वो यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होगा, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होगा, इन सर्वर्स को भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो हर जगह पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो क्लास ये जो चीज है इसमें मसला क्या होता है, नंबर वन एफिशिएंसी इशू है कि आपका अगर कंप्यूटर साइंस की ट्रैफिक थी तो कंप्यूटर साइंस के अंदर लिमिटेड रहती, बाहर क्यों वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। और दूसरा मसला सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का है कि लेट सपोज एक नेटवर्क स्टूडेंट्स का है और एक फैकल्टी का है, अब फैकल्टी के कोई एग्जाम पड़े हुए हैं और वो पैकेट अगर वो ट्रांसमिट करते हैं किसी फैकल्टी के सर्वर को तो वो पैकेट अगर स्टूडेंट नेटवर्क पे भी जा रहे तो स्टूडेंट उस पैकेट को उठा लेता है तो वो पूरे के पूरे एग्जाम को रीड कर देगा, तो ये तो काफी सिवियर सिक्योरिटी और प्राइवेसी ब्रीच है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप ब्रिजेस के साथ नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनते हैं और जो भी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होनी है तो वो फिर हर डिवाइस तक जाएगी। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का क्या तरीका है, आप वर्चुअल लैन इस्तेमाल करें या वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लैन क्या होता है कि आपका स्विच जो है, लेट सपोज आपका स्विच एक ही है, लेट सपोज आप पोर्ट बेस्ड वी लैन बनाते हैं,
तो इसमें होगा क्या कि आपका एक स्विच है और आप कुछ रूल स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी आप कहते हैं कि लेट सपोज वन से लेके पोर्ट नंबर वन से पोर्ट नंबर एट तक जो पोर्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसके साथ कनेक्टेड होगा, और पोर्ट नंबर 9 से 16 तक जो है उसके साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो कंप्यूटर साइंस के होंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बेसिकली स्विच आपका एक ही है, ब्रिज एक ही है, पर उसे आप ट्रीट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो दो अलग ब्रिजेस हैं। ठीक है, और अब जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो लिमिट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ने अगर कुछ ब्रॉडकास्ट किया तो वो सिर्फ इन पोर्ट्स के ऊपर ही ब्रॉडकास्ट होगा, वो इन पोर्ट्स के ऊपर नहीं जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर कंप्यूटर साइंस वाले ने कोई ब्रॉडकास्ट किया है तो वो इन पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, इन पोर्ट्स के ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपने किया क्या है, आपने दो अलग नेटवर्क्स को लॉजिकली जो सेपरेट थे उनको आपने आपस में सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट है कि आपने ये सारे हैं एक ही लैन। क्लास एक बार याद रखें, जब आप राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो दो अलग नेटवर्क होते हैं, जब आप ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो जो चीजें ब्रिज के साथ कनेक्ट कर रही है, बेशक वो फर्दर और ब्रिजेस हैं, तो वो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इन दिस केस टू आपका, क्योंकि ब्रिजेस के साथ सारे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है, पर उसके ऊपर आपने क्या दिया कि इस लोकल एरिया नेटवर्क में हमने वर्चुअल लैन बना दिया। ये एक लैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ये एक लैन कंप्यूटर साइंस का है। इसका फायदा क्या हुआ है, आपने ट्रैफिक आइसोलेट कर दिया। ठीक है, यानी हम इन ब्रिजेस पे रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई एक पैकेट रिसीव हुआ जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही रहेगा, वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर नहीं जा सकता। एक्चुअली बेहतर एग्जाम्पल होगा कि लेट्स सपोज मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं रूल स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जो भी फैकल्टी की ट्रैफिक है वो फैकल्टी के वर्चुअल लैन पे जाएगी, वो स्टूडेंट के वर्चुअल लैन पे नहीं जाएगी। क्यों? सिक्योरिटी के लिए, कि अगर फैकल्टी की ट्रैफिक स्टूडेंट नेटवर्क पे चली गई तो वो पैकेट रीड करके काफी सीरियस डेटा ब्रीच कर सकते हैं, वो एग्जाम उठा लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये भी रूल स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि स्टूडेंट की जो ट्रैफिक जा रही है उसको इजाजत होगी कि स्टूडेंट का पैकेट जो है वो फैकल्टी के वी लैन पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर आपस में कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फैकल्टी को पता होना चाहिए कि वो क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो वर्चुअल लैन का फायदा ये है कि आप स्विच के ऊपर ट्रैफिक आइसोलेशन का कोई भी रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको इजाजत होती है। अगला पॉइंट ये है कि आपकी मेंबरशिप डायनेमिक हो सकती है, यानी इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, पर वो कंप्यूटर बिलोंग कंप्यूटर साइंस को करता था। यानी लेट सपोज मैं सीएस का प्रोफेसर हूं और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में मूव कर जाता हूँ, यानी ऑफिस मेरा वहां पे थोड़ी देर के लिए शिफ्ट किया है, तो अब मैं जिस स्विच के साथ कनेक्टेड हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट हूंगा। तो डायनेमिक मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रूल स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सा पोर्ट है वो किस वी लैन को बिलोंग करता है। यानी इनिशियली पोर्ट 1 से 8 तक जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बिलोंग करते थे और 9 से 16 तक जो है वो कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करते थे, पर हमने डायनेमिकली रूल सेट कर दिया कि ये पोर्ट 3 जो है ये भी कंप्यूटर साइंस को बिलोंग करता है। तो बेसिकली आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपने दो वी लैंस के बीच में पैकेट फॉरवर्डिंग करनी है, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ट्रैफिक जानी है कंप्यूटर साइंस तक एंड वाइस वर्सा, तो इन दैट केस या तो उन पोर्ट्स को आप एक राउटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या यूजुअली क्या होता है कि आपका जो स्विच है उसके हार्डवेयर के अंदर ही एक राउटिंग का पोर्शन भी इंप्लीमेंटेड होता है। ठीक है, इस आखिरी पार्ट की जो डिटेल है वो हम इग्नोर कर देंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि दो वर्चुअल लैंस के बीच में जो आपने पैकेट फॉरवर्डिंग करनी है तो वो फिर आपको एक सर्टन राउटिंग
का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ता है जो कि लेयर थ्री पे हो रहा है, पर वी विल इग्नोर दैट फॉर नाउ। ऑल राइट क्लास, आखिरी जो टॉपिक है वो मैं ब्रीफली आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि डेटा सेंटर के अंदर जो नेटवर्क बना होता है वो बेसिकली उसकी क्या फॉर्म होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि डेटा सेंटर में आपके थाउजेंड ऑफ सर्वर बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी थाउजेंड का क्या मतलब है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी डेटा सेंटर को लें, आप गूगल के डेटा सेंटर को लें, तो उसमें 150,000 से लेके 300,000 मे बी मोर इतने सर्वर कनेक्टेड होते हैं। और इन डिवाइसेस का काम क्या होता है, तो अगर आप अमेज़न के डेटा सेंटर को लें तो उसका काम है ई बिजनेस के दुनिया के जितने भी अमेज़न पे परचेज रिक्वेस्ट आ रही है, चीजें खरीदनी है, तो वो सारे जो है इस डेटा सेंटर पे मैनेज होते हैं। फिर कंटेंट सर्विंग का काम है कि आपका यूट्यूब का डेटा सर्वर है तो यूट्यूब ने बेसिक डेटा सेंटर है तो यूट्यूब ने बेसिकली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को वीडियोस सेंड करनी है, बिलियंस ऑफ वीडियो सेव करनी है, और ये वीडियो के बहुत ज्यादा यूजर है जो कि साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक ही कंप्यूटर पे आप इतनी ज्यादा वीडियो स्टोर भी नहीं कर सकते और एक ही कंप्यूटर में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियसली सर्व कर सके। तो डेटा सेंटर का फायदा क्या होता है कि आपके हजारों डिवाइसेस होते हैं, हजारों लाखों डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें से किसी भी डिवाइस के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी और वो डिवाइस जो है बेसिकली कुछ को सर्व करेगा, बाकियों को कोई और डिवाइस सर्व कर देगा, और जो आपके टोटल नंबर ऑफ वीडियोज हैं जो कि बिलियंस में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक ही डिवाइस पर स्टोर नहीं होती, उनमें से कुछ वीडियो कुछ डिवाइस पर स्टोर होंगी, कुछ वीडियो किसी और डिवाइस पर स्टोर होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डेटा सेंटर का एक एप्लीकेशन हो जाती है। एक और एग्जांपल सर्च इंजन का है, यानी गूगल का एग्जांपल है, तो गूगल पे कोई सर्च रिक्वेस्ट आती है तो उसने पूरी दुनिया के वेब पेजेस को सर्च करना पड़ता है। अगर वो सारे वेब पेजेस एक ही कंप्यूटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और उस एक कंप्यूटर के ऊपर आप सर्च करना शुरू कर दें तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गूगल के केस में क्या होता है कि आपकी जो सर्च रिक्वेस्ट आती है वो हजारों वर्कर नोड्स पे स्प्लिट होगी और वो जो वर्कर नोड्स हैं वो फिर अपने अपने डेटा सेट के ऊपर सर्च करके सिर्फ अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगी, और वो जो सारों के रिजल्ट आएंगे वो फिर एक और अलग एग्रीगेटर नोड होगी जो कि इन सारों को मर्ज करके एंड यूजर तक पहुंचा देती है। तो कहने का मतलब है कि डेटा सेंटर का बेसिक मकसद है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मल्टीपल मशीन के ऊपर स्प्लिट करना है। चैलेंजेस क्या आते हैं, वही कि आपके मल्टीपल एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन के लाखों क्लाइंट्स होंगे, बहुत ज्यादा डेटा होगा, तो वो सारे कैसे एक डेटा सेंटर को शेयर करेंगे वो एक चैलेंज है। फिर आपने लोड को बैलेंस करना है, मैनेज करना है कि एक ही डिवाइस के ऊपर सारा लोड ना आ जाए, प्रोसेसिंग जो है वो आपने स्प्लिट करनी है, और अगर स्प्लिट करते हैं तो ये तो नहीं है कि कोई ऐसा एक लिंक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डेटा सेंटर में आपको मैनेज करनी पड़ती है, जो चैलेंज है जो कि कोई भी डेटा सेंटर है उसे एड्रेस करने पड़ते हैं। तो डेटा सेंटर का बेसिक एक वर्किंग देख लें कि लेट सपोज सर्च एग्जांपल ले लें कि गूगल पे एक सर्च रिक्वेस्ट आई है इंटरनेट से, तो वो बॉर्डर राउटर पे आएगी, बॉर्डर राउटर से एक्सेस राउटर पे आएगी, और एक्सेस राउटर से लोड बैलेंसर पे आती है। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि मैंने ये रिक्वेस्ट किस वर्कर नोड को, किस सर्वर को फॉरवर्ड करनी है, और वो उस वर्कर नोड को फॉरवर्ड कर देगा। अब वो नोड जो है वो आगे क्या करेगी कि फर्दर और काफी डिवाइसेस होंगे जिनको रिक्वेस्ट सब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी, यानी एक सर्च रिक्वेस्ट आई है उसे स्प्लिट करेगी इनटू मल्टीपल सब रिक्वेस्ट, और वो मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देगी, और वो डिवाइसेस जो है अपने अपने डेटा सेट पे काम करके रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, वो रिजल्ट जो है वापस लोड बैलेंसर को रिटर्न होगा, और लोड बैलेंसर जो है उन रिजल्ट को जो एंड यूजर था इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट आई थी उस यूजर को वापस सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक सिंपल एग्जांपल है डेटा सेंटर की वर्किंग का। और डेटा सेंटर का नेटवर्क की फॉर्म क्या होती है,
तो डिफरेंट टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करते हैं. एक जो बड़ी कॉमन टोपोलॉजी है उसका नाम है लीफ स्पाइन टोपोलॉजी. उसमें क्या होता है कि आपके जितने सर्वर हैं आपका एक रैक होता है, यानी आप समझ लें एक अलमारी है, उस अलमारी में सर्वर होते हैं, वो उस अलमारी में एक स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसे टॉप ऑफ रैक स्विच कहा जाता है. इस तरह से जितने भी कबर्ड हैं हर कबर्ड का एक अलग टॉप ऑफ रैक स्विच होता है, और वो टॉप ऑफ रैक स्विच सिर्फ उस कबर्ड के सारे सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये टॉप ऑफ रैक स्विच जो है, ये मल्टीपल टॉप ऑफ रैक स्विच जो है, ये किसी टीयर टू स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे. और ये बाय द वे टीयर टू स्विच जो है, ये फिर आगे फर्दर किसी टीयर वन स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी रिडंडेंसी है, यानी टीयर टू का स्विच जो है ये इस स्विच के साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल इस मशीन ने, लेट सपोज इस मशीन को कोई पैकेट सेंड करना है, तो पैकेट यहां से होता हुआ यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और यहां से इधर आ जाएगा, या फिर यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आएगा, और फिर यहां आ जाएगा. तो बेसिकली आपके पास चार पाथ हैं जिनके थ्रू वो पैकेट फॉरवर्ड हो सकता है फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन. तो इस रिच इंटरकनेक्शन का फायदा क्या है कि बेसिकली नंबर वन, आपका एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाती है. यानी अगर सिर्फ एक पाथ होता और लिंक 10 गीगाबिट का था, तो दैट मींस कि आपके पास सिर्फ 10 गीगाबिट पर सेकंड बिटवीन वन सोर्स डेस्टिनेशन पेयर होता. पर अब क्या है, आपके पास एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और एक ये है. तो इफेक्टिवली अगर सारे लिंक जो है वो 10 गीगाबिट के हैं, तो आपके पास चार ऐसे पाथ है, तो टोटल जो आपका बैंडविड्थ है वो 40 गीगाबिट पर सेकंड बिटवीन दीज टू कबर्ड्स अवेलेबल होगी. दूसरा फायदा क्या है, इंक्रीज रिलायबिलिटी का, कि अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये लिंक फेल हो जाता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो है इसकी बजाय आप इस पाथ के थ्रू या इस पाथ के थ्रू या इस पाथ के थ्रू पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे. तो कहने का मतलब है कि इतनी रिच कनेक्टिविटी रखने से आपकी थ्रूपुट भी बढ़ जाती है बिटवीन रैक्स, और आपकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, कि अगर कोई एक लिंक फेल हो भी गया तो आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हैं. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. कोई सवाल है तो आप पूछ लें.